सो फाइनली बच्चों, आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 दो ध्रुवीयता का अंत, इसका लास्ट पार्ट कवर अप करने वाले हैं। और जो हमारा टॉपिक है वो आपका इस सेशन के अंदर न्यूली एडिट टॉपिक है, जिसका नाम है अरब स्प्रिंग, अरब विद्रोह भी कह सकते हो, और भी इसके अदर्स नेम हैं जो कि आपको इसी वीडियो में जानने को मिलेंगे। सो अगर बात कीजिए बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वाला जो टॉपिक है इससे जो क्वेश्चंस आपके निकल के आए हैं ना, वो एमसीक्यू मोड में भी आए हैं, और खास तौर पे जो एक पैसेज आता है ना, पैसेज के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो ये टॉपिक से आपके ज्यादा देखने को मिलते हैं। सो सारी चीजें बात करेंगे बच्चों अरब स्प्रिंग के बारे में, और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी हो जाएगा कंप्लीट, टोटल 6 पार्ट के अंदर। देन हम बात करेंगे अपने नए चैप्टर की। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू द चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। सो बच्चों, सबसे पहले हम बात करें कि हमने जो न्यू एडिट टॉपिक्स है वो कौन कौन से कवर अप कर लिया है इस लेसन के। तो वो है लोकतंत्रीकरण राजनीति, और साथ ही जनतंत्रीकरण, जिसे मैंने सिंगल वीडियो में कंप्लीट कराया था। और उसके बाद हमने पार्ट 5 में बात करी थी सीआईएस के बारे में, यानी कि कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल। और आज हमारा बच्चों 6 पार्ट जो एंड है वो है अरब स्प्रिंग के बारे में। इसके अंदर हम बात करेंगे मुख्यतः तौर पे मध्य एशिया के बारे में, यानी मिडिल ईस्ट कंट्री के बारे में, जो मुख्यतः तौर पे जो खाड़ी कंट्री है जिसे गल्फ कंट्री के नाम से भी जानते हैं, यही सारे टॉपिक इन्हीं से रिलेटेड होंगे। और मैं आपको स्टार्टिंग में ही एक चीज बता देता हूँ, अगर आप देखोगे अच्छे तरीके इन सभी टॉपिक्स को, तो इनका जो कंक्लूजन आएगा वो यही निकल के आएगा कि दी एंड ऑफ द बायपोलैरिटी में क्या हुआ था, कि वही चीज दोबारा से रिपीट हो रही है, कि जो एक तरीके से साम्यवादी दल था, यानी जो साम्यवादी जो विचारधारा थी, उसे एंड करके उसकी जगह पे जो डेमोक्रेसी है यानी कि लोकतंत्र को लाना जरूरी था। अब लोकतंत्रीकरण में भी लोकतंत्र के बारे में हमने पढ़ा था, सीआईएस के बारे में भी, और साथ ही बच्चों अरब स्प्रिंग हुआ है इसलिए था कि लोग तानाशाही से परेशान आ गए थे, और वो चाहते थे एक ऐसा शासन जहां पे लोगों को अधिकार मिले, स्वतंत्रता मिले, और वो सारी चीजें आप अच्छे से जानते हो, वो हमें लोकतंत्र में ही देखने को मिलती है। तो क्या था अरब स्प्रिंग के बारे में सभी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझने की हम कोशिश करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अरब स्प्रिंग की। तो देखिए अरब स्प्रिंग 2010 में या 11 में सरकार के विरोध में शुरू हुआ था, हालांकि मुख्यतः तौर पर एग्जाम में आएगा तो आप 2009 ही लिखना, वो अभी मैं आपको आगे बता दूंगा। अरब स्प्रिंग के दौरान हुआ यह था कि सरकार के खिलाफ मुख्यतः तौर पे, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, विरोध प्रदर्शन हो या विद्रोह हो या फिर सशस्त्र विद्रोह, ये सभी हमें देखने को मिले थे, क्योंकि लोग अब जो डिमांड्स कर रहे थे वो एक इंडिपेंडेंस होने की, यानी कि एक तरीके से स्वतंत्र होने की, तानाशाही से मुक्त होना चाह रहे थे। उन सभी देशों की तानाशाही के कारण वहां के लोग जो थे वो काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, तंग आ चुके थे, और सरकार ने इसे शुरू होने के कई कारण भी बताए थे। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसमें क्रांतियों की हमें श्रृंखला देखने को मिली, क्योंकि अरब स्प्रिंग कोई एक देश में नहीं था, अलग अलग देशों तक फैला था, जिसमें दमनकारी शासन और जीवन स्तर निम्न रहा। और इसमें अरब के जो पूर्व अधिकांश देश थे जिसे हम मिडिल ईस्ट के नाम से जानते हैं, साथ ही साथ बच्चों क्योंकि मिडिल ईस्ट आप देखोगे मैप में वो कनेक्टेड है नॉर्थ अफ्रीका से, उत्तरी अफ्रीका से, तो मिडिल ईस्ट के कुछ देश और साथ ही कुछ नॉर्थ अफ्रीका के देश इस विद्रोह के अंदर शामिल थे, जो कि अभी आपको आगे भी देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया एक बेसिक तरीके से। लेकिन अगर बात कीजिए कि अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई कैसे थी और कब हुई थी, तो मुख्यतः तौर पे आप लिखोगे कि अरब स्प्रिंग की जो शुरुआत थी वो 2009 में ट्यूनिशिया में हुई थी। ट्यूनिशिया आपको नाम याद रखना है। अब ये जो ट्यूनिशिया है वो मिडिल ईस्ट में नहीं आता बच्चों, बल्कि वो नॉर्थ अफ्रीका में हमें देखना मिलता है, यानी कि उत्तरी अफ्रीका का ये एक देश है। ट्यूनिशिया जो अगर इसके लोकेशन की बात करें तो ये अल्जीरिया और लीबिया, आपने नाम सुना होगा, इन दो देशों के बीच में आता है, जैसे कि आप मैप में भी देख सकते हो। जब ये ट्यूनिशिया से शुरू हुआ उसके बाद ये 5 देशों में और इसका जो फैलाव था वो फैल गया था। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए कि वो 5 देश और कौन कौन से थे, जैसे सीरिया हो, लीबिया हो, मिस्र हो, यमन हो या फिर बहरीन हो, ये सभी देशों के अंदर भी अरब स्प्रिंग की जो थी शुरुआत वो हो गई थी। और इन देशों में शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर वही सारी चीजें, चाहे विद्रोह हो या फिर विरोध हो, हिंसा हो या फिर नागरिक युग यानी जिसे हम गृह युद्ध कहते हैं, ये सभी इसके अंदर शामिल थे। दूसरे और बच्चों मोरक्को, इराक, अल्जीरिया, लेबनान, जॉर्डन, कुवैत, ओमान और सूडान में बड़े पैमाने पर भी विरोध प्रदर्शन हुए। ये सभी देश बच्चों आपको मिडिल ईस्ट के ही देखने को मिलेंगे। और कुछ अन्य स्थान जिसमें जिबूती हो गया, मोटानिया हो गया, फिलिस्तीन हो गया, सऊदी अरब हो गया, और पश्चिमी सहारा के कुछ क्षेत्र में
मामूली, मतलब इतने बड़े तो नहीं लेकिन प्रदर्शन जरूर हुए थे। इसीलिए बच्चों ये जो अरब स्प्रिंग था वो कोई छोटा मोटा विद्रोह नहीं था, बल्कि बहुत बड़े पैमाने पे किया गया विद्रोह था, और इसको इस लेसन में इसलिए जोड़ा गया ताकि लोगों को बताया जाए कि डेमोक्रेसी जो चीज होती है वो कितनी बेटर होती है, जहां पे लोगों को अपना जो राइट्स होता है वो पूरी तरीके से दिए जाते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये सारी चीजें बता दी थी। तो ये कुछ इस प्रकार से मोटे मोटे तौर पर आप समझ सकते हो कि वही चीज है कि अरब स्प्रिंग की जो शुरुआत हुई थी हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिली। और इसमें एक नारा भी दिया गया था। तो अरब स्प्रिंग को सबसे पहले कई नामों से जाना जाता है, अक्सर बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको होने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं आपको अरब वसंत दिखाई दे या फिर अरब जागरण दिखाई दे, अरब अप राइजिंग दिखाई दे या फिर डेमोक्रेसी अप राइजिंग, सभी का मीनिंग एक है, वो अरब स्प्रिंग से ही जुड़ा है। इसका अगर कंक्लूजन देखें तो मूल विरोध वही था कि सरकार के खिलाफ अब उन्हें आवाज उठानी थी, और इसमें कुछ नारे भी दिए गए थे जैसे ऐश शुर यूरिक और साथ ही अकद आ निकम। तो इसका मतलब यही था कि जनता शासन को नीचे लाना चाहती थी, अरबी के शब्द। तो ये हो गया नारे से रिलेटेड। और बात की जाए कि इस विद्रोह के मेन एम्स क्या क्या थे, यानी उद्देश्य क्या क्या थे, वही चीज है कि राजनीतिक स्वतंत्रता हो और शासन में सुधार, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। और साथ ही लोकतंत्र की एक लहर जो बाधित हुई थी वहां लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना चाहते थे और तानाशाह से लोकतंत्र में बदलाव लाने की मांग व्यक्ति कर रहे थे। और वही बात है कि जब लोकतंत्र आएगा तो शिक्षा और विकास और रोजगार इनके भी अवसर होने चाहिए। तो ये सभी चीजें अरब स्प्रिंग के उद्देश्यों से हमें जुड़ी देखने को मिली। वही बात की जाए बच्चों इसके कारणों की, कि किन कारणों की वजह से जो अरब स्प्रिंग था वो शुरुआत हुई थी, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तानाशाही यानी कि डिक्टेटरशिप। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि विश्वसनीय सरकार के समय में उस देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन अरब वसंत से पहले कई सरकारें और तानाशाह जो थी वो करप्ट हो गई थी, यानी कि बैंक करप्ट हो गई थी, दिवालिया हो गई थी। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2011 में आप ये तो जानते हैं कि अरब स्प्रिंग जो था वो पूरी तरीके से उसकी शुरुआत हमें देखने को मिल गई, कहीं कहीं 2009, 2010 और 2011 भी होता है। लेकिन 1979 के बाद, जैसा कि आपके कॉन्टेंट में शामिल है, सरकार में क्या था, बात हो रही है मिस्र की, तो वहां पे उनके जो लीडर थे वो थे हुस्नी मुबारक, वो शासन में थे। और 1987 के बाद ट्यूनिशिया में जो बैन अली थे वो भी सत्ता में थे। 42 साल के लिए जो गद्दाफी थे वो लीबिया पर शासन कर रहे थे। इन सभी की जो तानाशाही थी ना, उससे जो आम जनता थी वो परेशान आ चुकी थी, और अधिकांश लोगों ने अपनी सुरक्षा और अपनी सेवाओं के लिए ये कदम उठाया। तो सबसे पहला था कि तानाशाही के खिलाफ लोगों ने आवाज उठाना शुरू किया। उसके बाद बढ़ती जनसंख्या, क्योंकि जब कारण निकल के आते हैं ना किसी भी विद्रोह के, तो वो कोई एक नहीं होता, डिफरेंट टाइप के होते हैं। अब बढ़ती जनसंख्या कैसे बाधित हो रही थी, जैसे संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या 1970 से 2010 तक दुगनी हो गई थी। अब जनसंख्या में वृद्धि के साथ जो विकास था वो एक तरीके से स्टक सा हो गया, रुक सा गया था, जो कि किसी भी देश के लिए सही चीज नहीं मानी जाती है। और ऊपर से जब ये सारी चीजें हमें देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं रोजगार जैसी जो समस्याएं हैं वो भी उत्पन्न होती चलेगी, यानी कि अरब दुनिया में राजनीतिक परिवर्तन के लिए पहले से ही संघर्ष चल रहा था, लेकिन इस बार बेरोजगारी के कारण जो युवाओं थे ना उनके अंदर एक तरीके से टेरर फैल गया, आतंक था। उस समय वह जो ग्रेजुएट थे यानी स्नातक होते हैं ग्रेजुएट, वो टैक्सी चलाकर छोटे मोटे काम कर रहे थे, क्योंकि रोजगार की काफी ज्यादा कमी थी, यानी कि ग्रेजुएट बंदा भी वहां पे छोटे मोटे काम कर रहा है। और ऊपर से वही है कि जवाबदेह शासन नहीं था, तो भ्रष्टाचार की समस्या भी तेजी से बढ़ती जा रही थी। अरब दुनिया में भ्रष्टाचार एक मुख्य समस्या थी, यह उस समय बहुत महत्वपूर्ण था, और इस वजह से लोगों ने अपना जो पेशेंस लेवल था यानी धीरज जो था वो खो दिया था। जो कुछ भी फायदा हुआ वह वहीं के जो माइनॉरिटी लेवल के जो कैपिटलिस्ट लोग थे यानी पूंजीवादी जो अल्पसंख्यक थे उन्हें ही था, क्योंकि वो शासन के काफी ज्यादा क्लोज थे और शासन कभी भी उत्तरदायी नहीं था उस समय। तो ये सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं करप्शन हो या फिर एम्प्लॉयमेंट की समस्या हो या फिर बढ़ती जनसंख्या हो, अरब स्प्रिंग के कारण का ही मुख्य रीजन निकले थे। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें इन सभी के बाद इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या निकल के आए, तो देखिए बच्चों कॉन्सिक्वेंसेस ना केवल एक देश में, हर एक देश में एक तरीके से जो तानाशाही सरकारें थी ना वो उखाड़ फेंकी, यानी कि वहां के जो बड़े बड़े लीडर थे ना उन्हें सत्ता से निकाल दिया। जैसे एग्जांपल के तौर पे जहां से अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी, उत्तरी अफ्रीका का देश ट्यूनिशिया, ट्यूनिशिया के जो राष्ट्रपति थे बेन अली, इनका नाम याद रख सकते हो, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और सरकार को वहां पे गिरा दिया गया। उसी तरह मिस्र के होस्नी मुबारक जो कि आपके कंटेंट में शामिल है, उनको भी शासन से निष्कासित कर दिया गया, क्योंकि वो तानाशाही से काम करते थे और उनकी सरकार को आरोप के तहत उखाड़ फेंका और साथ ही इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। जब एंड होता है ना तो कुछ इसी तरीके से होता है, फिर चाहे वो हिटलर क्यों ना हो, है ना।
लीबिया की अगर बात करें तो यहाँ पे भी जैसे आप जानते हो गद्दाफी का शासन था 40 साल से भी ज्यादा, तो उनकी भी सरकार को यहाँ से हटा दिया गया और गद्दाफी तो युद्ध के दौरान ही मार दिया गया था। इसके अलावा यमन की बात की जाए तो अली अब्दुल्ला जो कि वहां के राष्ट्रपति थे उन्हें भी सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, और सीरिया में भी बशर अल असद को भी शासन के विरोध में सामना करना पड़ा और कहीं ना कहीं उनका ये जो विरोध हुआ था ना वो गृह युद्ध में भी बदल गया, यानी कि देश के अंदर जो स्थिरता थी वो अस्थिरता में बदल गई। बहरीन की बात करें तो वहां की सरकार को भी विरोध का सामना करना पड़ा और इस विद्रोह को कुचल दिया गया, और इसके बाद सऊदी ने इसमें हस्तक्षेप भी कर लिया। कुवैत हो, ओमान हो, लेबनान हो, यहाँ पर भी सरकारों ने बदलाव किए, उसी तरह जॉर्डन, फिलिस्तीन और मोरक्को के अंदर भी संवैधानिक सुधार पेश किए गए। कुल मिलाकर अगर बात की जाए कि ऐसा प्रतीत होता है कि इन सभी संघर्ष के दौरान अरब देशों में जो डर था, जो आर्थिक कमजोरियां थी, उसे लोगों ने सहाया और साथ ही जो निरंकुश शासन था उसको एक तरीके से खत्म करके वहां पे लोकतंत्र के लिए अपने लिए रास्ता बना लिया। ये सभी चीजें बच्चों अरब स्प्रिंग की शुरुआत से लेकर उसके कारणों से लेकर उसके उद्देश्यों से लेकर उनके परिणामों से लेकर और इन सबके कंक्लूजन को लेकर हमारे सामने देखने को मिला। तो मुख्यतः तौर पे होस्नी मुबारक का नाम आपको याद रखना है, शुरुआत 2009 में हुई थी टूनिशिया के साथ, और जो पांच देश थे उनका नाम याद रखना, यही सारी चीजें है। और कंक्लूजन के तौर पे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये जो शुरुआत हुई थी वो एक तानाशाही सरकार या तानाशाही शासन के खिलाफ लोकतंत्र को लेकर हुई थी, लोगों की आजादी को लेकर हुई थी, स्वतंत्रता को लेकर हुई थी, और आज के समय ये जो स्थिति है वो काफी हद तक बदल चुकी है, क्योंकि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पे वैश्वीकरण का बोलबाला है और सत्ता के नए नए केंद्र भी उभर के आए हैं। सत्ता के नए केंद्र से याद आया कि अगला जो हमारा लेसन होगा उसके अंदर यूरोपीय संघ, आसियान, इंडिया, इजराइल, रशिया और साथ ही साउथ कोरिया, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। यही था बच्चों आज के इस टॉपिक के अंदर, और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 भी होता है कंप्लीट। होप सो कि बच्चों ये इजी सा टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और क्विक ट्रैक क्लासेस की ऐप को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए पॉलिटिकल साइंस का जो रीडिंग करने के लिए, लर्न करने के लिए जो मटेरियल है वो वहां पर अपडेट कर दिया जाएगा, चाहे वो आपके चैप्टर्स हो या फिर क्वेश्चन आंसर हो, कार्टून, मैप, एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीबीएसई सैंपल पेपर, सभी चीजें आपको ऐप पर अवेलेबल मिल जाएगी। और आने वाले समय भी बच्चे वहां पे आपके लिए प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो भी अपलोड किए जाएंगे। और टेलीग्राम ग्रुप इसलिए ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं जहां पर मैं आपके लिए कैसे अप टू डेट रखता हूँ, ताकि आपको टाइम टाइम पे सारी चीजें मिल जाए। तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इससे पहले के जितने भी 5 पार्ट मैंने आपको कराए वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। जाइए चेकआउट कीजिएगा और वेट कीजिएगा अपने सेकंड लेसन का, जो कि है सत्ता के नए केंद्र एज पर द न्यू सेशन। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते।